तो आज हम इस सबसे पहले हमारी इस क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं अपने फॉर्मूला की इंफॉर्मेशन फॉर्मूला के ऊपर। जी हाँ, इंफॉर्मेशन फॉर्मूला। देखिए, फॉर्मूला का बहुत सारे कैटेगरी है हमारे सिस्टम के अंदर में, हमारे सिस्टम के अंदर में। प्लीज म्यूट कर लीजिए आप लोग, प्लीज प्लीज आप लोग। तो उसी कैटेगरी में हम डिस्कस कर रहे हैं अपनी कैटेगरी इंफॉर्मेशन कैटेगरी, इंफॉर्मेशन फॉर्मूला की कैटेगरी के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो एक बार मैं कैटेगरी के बारे में बता देता हूं ताकि आप लोग ध्यान से देखेंगे। मैं एक बार फाइल ओपन कर लूं अपना। तो सबसे पहला हमारे पास फॉर्मूला मेनू बार में फाइनेंशियल है, लॉजिकल है, टेक्स्ट है, डेट एंड टाइम है, लुकअप रेफरेंसेस है, मैथमेटिकल है, और मोर फंक्शन में हमारे पास स्टैटिकल्स है, इंफॉर्मेशंस है। अब इसमें कुछ और फॉर्मूले इंजीनियरिंग है, क्यूब है, कैपेबिलिटी है। तो ये सब फॉर्मूले हम नहीं कवर करते हैं अपने इस कोर्स में। क्यों? क्योंकि ये सब फॉर्मूले के लिए मैथमेटिक्स की बहुत सारी चीजें सिखानी पड़ती है और हमारे सारे बच्चे मैथमेटिक्स से बिलोंग नहीं करते, इसलिए। कुछ बोल रहे थे क्या? तो हम कुछ डिस्कस नहीं कर सर, कुछ नहीं। हाँ हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंफॉर्मेशन फॉर्मूले के ऊपर। ठीक है, इंफॉर्मेशन फॉर्मूला जो है सिंगल काम नहीं करता है, पहले चीज को जान लीजिए। वो किसी फॉर्मूले के साथ मिलने के बाद वो अच्छा तरीके से काम करता है। जैसे कि सबसे पहला फॉर्मूला हमारा सेल का है। सेल फॉर्मूला क्या करता है कि आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है रिगार्डिंग किसी सेल। जैसे कि सेल में हमने यहाँ पे मान लीजिए कि एड्रेस है हमारा, या कॉलम नंबर है, तो कलर है, कंटेनर है, फाइल नेम है। जैसे हमने फाइल नेम करके वो एंटर मारा तो इस फाइल की कंप्लीट पाथ आपको देता है। ठीक है, अब इसका यूज क्या है हमारे ऑफिशियल लाइफ में, चलिए इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो इसका यूज हम बताते हैं आपको। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसने सेल फॉर्मूला लगाया और सेल फॉर्मूला लगाने के साथ इसने सीट का नेम दे दिया। तो सबसे पहली चीज कि मुझे अगर इस सीट का नेम पता करना हो तो कैसे करेंगे? अगर मुझे इस सीट का नेम पता करना हो कि मैं सीट का नेम चेंज करूं, तो मुझे यहाँ मेरा सीट का नेम मेरे सीट पे ऑटोमेटिकली चेंज हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फाइंड का फॉर्मूला अपनाते हैं, फाइंड। और हम इसमें देते हैं कि हमने देखा अपने पाथ में कि जो क्लोजिंग ब्रैकेट है उसके बाद सीट नेम है। तो फाइंड फॉर्मूला क्या करता है कि किसी सेल वैल्यू में से किसी पर्टिकुलर करेक्टर को सर्च करता है और उसका पोजीशन बताता है कि उसके अंदर में कौन सा पोजीशन है। तो इसने पोजीशन बताया क्यों? तिरपन नंबर करेक्टर के बाद है। तो हमने क्या किया, हमने फॉर्मा लगाया यहाँ पे राइट का, कि राइट हमने इसको सेलेक्ट किया और बोला कि इसकी कंप्लीट लेंथ, जो भी इसकी कंप्लीट लेंथ है उस लेंथ में से माइनस करे इस 53 को, और यहाँ पे सीट वन मेरे पास आ गया। अब सीट वन का नाम मान लीजिए कि मैं यहाँ पे कुछ और कर दूं, जैसे मैं कर देता हूँ जैन, तो एंटर मारते यहाँ पे जैन हो जाता है। अब इसका ऑफिशियल लाइफ में या रिपोर्ट ऑटोमेशन में या डैशबोर्ड में क्या इस्तेमाल करते हैं, चलिए इसके बारे में हम आपको बताते हैं। उसके लिए मुझे एक छोटा सा डेटा क्रिएट करना होगा जो आप लोगों को समझ में आए। जैसे मैंने यहाँ पे मंथ लिखा, नेम लिखा, और सिटी लिखता हूँ, और यहाँ पे अमाउंट लिखता हूँ। नीचे की तरफ इसको ड्रैग कर देते हैं, और ज्यादा करना है तो और ज्यादा कर देते हैं। नेम, कुछ नेम, अब नेम में मैंने कस्टम लिस्ट तैयार कर रखा है, तो डबल क्लिक करते हैं नेम आ जाएगा, और ऐसे मैंने सिटी में भी कस्टम लिस्ट लगा तैयार कर देते, एक लिस्ट रिपीट हो जाएगी यहाँ पे। और फिर मैं रैन बिटवीन का फॉर्मूला लगा के इसको रिपीट कर देते, कुछ नंबर अमाउंट या क्वांटिटी जो भी है हम यहाँ पे डाल देते हैं। ये तो हमारा सर डेटा हो गया। रिकॉर्डिंग अलाउ कर दीजिए।
एक मिनट, कौन है रिकॉर्डिंग अलाउ करने के लिए? ओके निखिल जी, निखिल, निखिल जी अलाउ है। एक मिनट, एक मिनट, आशुतोष मिश्रा जी के मोबाइल से नहीं है अभी, प्लीज रिक्वेस्ट रिकॉर्डिंग परमिशन फ्रॉम द मीटिंग होस्ट। ठीक है, कर दिया। ठीक है, म्यूट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। सॉरी, अब यहाँ पे ये हो गया। अब उसके बाद मेरे पास समरी होता है, जैसे कि मैं इसका नाम मान लीजिए कुछ और दे देता हूँ मैं। अब मैं यहाँ पे जैन का नाम लिखता हूँ, जैन, ठीक है, और यहाँ मंथ, और यहाँ पे जैन, जैन नेम सिटी। तो नेम और सिटी के लिए मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे कॉपी करता हूँ इसको, पेस्ट, और हमारे पास डेटा के अंदर में होता है रिमूव डुप्लीकेट, उसको क्लिक करते हैं और इसको रिमूव करते हैं, और फिर हम इसको कॉपी करते हैं, कॉपी। और यहाँ पे हम इसको पेस्ट करते हैं, और ऐसे ही हम सिटी को यहाँ से कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, और रिमूव डुप्लीकेट करते हैं, और इसका लिस्ट निकाल लेते हैं। कंट्रीब्यूट करेंट सेक्शन, और हम इसको कॉपी करते हैं, और यहाँ अपने रिपोर्ट में राइट क्लिक, पेस्ट स्पेशल, और इस पे हम ट्रांसपोज कर देते हैं। अब यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाते हैं सम इफ्स का, ताकि मुझे रिकॉर्ड आ जाए। सम इफ्स, सम इफ्स में डेटा में जाते हैं। सम इफ्स क्यों लगाते हैं? क्योंकि मुझे यहाँ पे टोटल चाहिए डेटा से। जो लोग सम इफ्स को नहीं जानते उनके लिए बता दूं कि मंथ पर्टिकुलर जैन मंथ के पर्टिकुलर नेम के किसी पर्टिकुलर सिटी का किसी का अमाउंट का टोटल चाहिए। जैसे कि यहाँ पे क्या है कि पूजा, पुणे और जनवरी, तो तीनों कंडीशन को यहाँ चेक करें। तो एक कंडीशन हो तो हम सम यूज करते हैं, बट यहाँ पे तीन कंडीशन है, इसलिए यहाँ पे सम इफ्स यूज करेंगे, इक्वल सम इफ्स। सम इफ्स में देखिए क्या बोला, डेटा रेंज कि सम किसको करना है। तो डेटा में मैंने बोला मुझे अमाउंट को सम करना है। उसके बाद बोलता है क्राइटेरिया वन डेज की, पहली क्राइटेरिया किस पे मैच करनी है। तो हमने बोला कि पहली क्राइटेरिया जो मैच करनी है हमें A1 में, एक कॉलम में मैच कर ली है, तो और दूसरा बताया क्राइटेरिया क्या है, क्या मैच करना है। तो हमने बोला कि मुझे इस मंथ को जनवरी को मैच करना है। उसके बाद आता है क्राइटेरिया टू की, दूसरी क्राइटेरिया इसमें क्या है। तो मैंने डेटा में गया, दूसरी क्राइटेरिया रेंज बोला कि नेम है, और क्राइटेरिया कौन है, तो जैन में जाके हमने पूजा को सिलेक्ट किया कि ये हमारा क्राइटेरिया है। देन तीसरी क्राइटेरिया रेंज डेटा में हमने दिया कि तीसरी क्राइटेरिया रेंज हमारी ए है, और तीसरी क्राइटेरिया क्या है हमारे पास, तो तीसरी क्राइटेरिया यहाँ पे मेरे पास पुणे है, और हम एंटर मार देंगे। फॉर्मूले को थोड़ा सा क्लीन कर देते हैं, जैसे कि जैन ले लिया, ये लेने की जरूरत नहीं है इसको, ऐसे इसको भी। अब आगे हम ड्रैग करेंगे, तो ड्रैग करने पता है आपको कि हमारा फॉर्मूला का जो एड्रेस है इंक्रीज एंड डिक्रीज होता है। तो हम लोग ने, हमने क्या किया, इसको F4 प्रेस किया और हमने इसको फ्रीज कर दिया, ताकि जब भी हम इसको आगे इंक्रीज एंड डिक्रीज करें तो हमारा रेंज ना हो। तो हमने सबसे पहले रेंज को फ्रीज किया, उसके बाद हमारे पास कंडीशंस है, जैसे कि B1 इट्स फिक्स, तो हमने इसको ले लिया। उसके बाद A4, इसका हम क्या कर रहे हैं, A फ्रीज कर रहे हैं, 4 छोड़ दे रहे हैं, क्योंकि जब नीचे ड्रैग करेंगे तो 4 और 5 इंक्रीज होना चाहिए। और सेम B3 का 3 फ्रीज करते हैं, B छोड़ देते हैं, जब आगे ड्रैग करेंगे तो B, C, D, E ऐसे कन्वर्ट होना चाहिए, और फिर इसको आगे की तरफ ड्रैग करते हैं और नीचे की तरफ भी ड्रैग करते हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे फैब करूंगा तो फैब का रिकॉर्ड आ जाएगा, जैसे चेंज करूंगा यहाँ पे आ जाएगा, लेकिन जैन लिखता हूं। ये रिपोर्ट हमने बना ली, ये समरी हमने बना ली, और समरी की फॉर्मेटिंग और बाकी चीजें तो आप अपने हिसाब से भी कर सकते हो, ये कोई बड़ी बिग डील नहीं है। लेकिन मैं जो चाहता हूं अब इसमें कि मेरा जो ऊपर जैन फैब मैम मंथ है, इस तरह से नहीं करना है। होता है क्या है कि जब मैं अपना रिपोर्ट बनाता हूँ, मैं यहाँ पेज लेआउट पे यहाँ पे जाके हटा देता हूँ, रिपोर्ट बनाता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ कि कॉलम को यहाँ से ड्रैग करता हूँ
और फिर इसका नाम हम चेंज कर देते हैं फैब। अब मैं यहां फैब लिखूंगा, यहां पे एंटर मारूंगा, फिर मुझे यहां वापस फैब लिखना होगा। मैं चाहता हूं कि नहीं, मुझे वापस यहां फैब लिखना ना पड़े, ए मेरे इसी से सीट नेम से कनेक्टेड हो, जैसा मैं सीट को चेंज करूं वैसा वो अपने आप को चेंज कर ले। ठीक है, तो उस केस में क्या करेंगे, तो उस केस में हम ये जो मेथड है हमारा, इसी मेथड को अपनाएंगे। जैसे कि मैंने बताया था आपको अभी कि जो इंफॉर्मेशन कैटेगरी के फॉर्मूले हैं, सेल जो भी फॉर्मूले हैं, वो सिंगल वर्क नहीं करते हैं, किसी के साथ मिलकर करते हैं। और इसी को मैंने लेफ्ट फॉर्मूला, लेफ्ट राइट होगा ना, राइट के अंदर लगाया, RIGHT राइट, और हमने कॉमा किया और बोला कि इसकी लेन, और लेन में भी हमने सेल फॉर्मूला को इसमें एड्रेस सेलेक्ट कर लिया, फाइल नेम सॉरी, और इसमें से माइनस किया फाइंड, फाइंड को मैंने बोला कि क्लोजिंग ब्रैकेट किसके अंदर, तो सेल फाइल नेम के अंदर एंड कॉमा वन फॉर स्टार्ट नंबर, और एंटर मारते हैं। आ गया। अब जैसे मैं इसको यहां चेंज करके यहां चेंज करूंगा, और जैन के जगह पे मैं फैब करूंगा, फैब करके एंटर मारूंगा, तो ये फैब चेंज हो जाएगा और मेरा पूरा डेटा चेंज हो जाएगा। सुजीत सर, हाँ जी, सर राइट क्यों लगाए, राइट यहाँ पे आपने नहीं समझा, आपने यहाँ में राइट लगाया था ना जी, यहाँ राइट एक बार रिपीट कर देंगे। बेसिकली ये आया तो मुझे इसमें से फैब चाहिए, समझ गए, तो फैब राइट से लगाए निकलेगा ना, हमने बोला कि राइट से इस सेल के एड्रेस के राइट से मुझे नंबर ऑफ थ्री लेटर चाहिए, या जो भी लेटर है वो लेटर चाहिए जो कि क्लोजिंग ब्रैकेट के बाद का है। तो फाइंड क्या करता है, क्लोजिंग ब्रैकेट का लोकेशन बताता है कि इतने करेक्टर पर है, और बताता है कि भाई लेन में से जितना फाइनल रिजल्ट दिया करेक्टर, उतना करेक्टर माइनस को जो बचे स्टैक कर दो, तो नाम स्टैक कर रहा है। ठीक है, तो उसी तरीके से अगर हम आगे बढ़ते हैं अपने फॉर्मूला कैटेगरी की, आगे के फॉर्मूला कैटेगरी में इंफॉर्मेशन के, तो सेल, अब आती है एरर टाइप। अब एरर टाइप को समझ लीजिए क्या होता है, इसके हेल्प पे भी जा सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए जब भी हम कुछ फॉर्मूला लगाते हैं तो हमें कई तरह के एरर आते हैं, जैसे कि एन ए आता है, डिवाइड बाई जीरो डी आई वी आता है, आर एफ आता है, नेम आता है, आता ना सर, तो ये एरर पहले बता दें कि एरर कौन सा एरर किस सिचुएशन में आएगा, इसको जान लीजिए। और अगर मुझे किसी पर्टिकुलर एरर को आइडेंटिफाई करना है और उसको कुछ और मैसेज देना है तो क्या करेंगे, दो चीजें इसमें है। ठीक है, तो इसमें आ गया कैपेबिलिटी फंक्शंस, डेटाबेस फंक्शंस, इंजीनियरिंग, हाँ इंफॉर्मेशन फंक्शन, ये रहा इंफॉर्मेशन फंक्शन का हमारा जो है वो है डेटा टाइप, एरर टाइप। अब इस चीज को जान लीजिए कि एरर कितने तरह के होते हैं, मैं इसे हेल्प खोला हूं ताकि दिख जाए कि एरर, सबसे पहला आपका एरर आता है नल, हैश NWLL। अब ये एरर कहाँ पे यूज होता है जान लीजिए, जैसे आप लोग अपने एक्सेल को कनेक्ट करेंगे एसक्यूएल सर्वर से, ओरिकल से, ऐसे बहुत सारे डेटाबेस से, और आप एसक्यूएल क्वेरी जब चलाएंगे तो जो एसक्यूएल क्वेरी आप चला रहे हैं उसको कोई डेटा उसको नहीं मिला, या डेटा मिला तो ब्लैंक मिला, जैसे मान लीजिए 5 एंट्री थी तो 1 एंट्री वहां पे ब्लैंक है, डेटा नहीं है, तो उस केस में यहाँ पे आपको नल एरर शो करेगा, मतलब कि डेटा नहीं है, राइट। डीआईवी का एरर कब शो करता है, डीआईवी का एरर शो करता है जब आपके पास कोई डेटा, जब कोई पर्टिकुलर डेटा कोई नंबर को हम जीरो से डिवाइड करते हैं तो डीआईवी का एरर शो करता है। हैश वैल्यू, इसका एरर तब शो करता है कि कोई फॉर्मूला में रिजल्ट आपने उसके अकॉर्डिंग नहीं डाला हुआ है, या फॉर्मूला को जो उसका जो इनपुट मिला हुआ है वो उसके वर्क प्रोसेस से मैच नहीं करता है, तो उस केस में वैल्यू का एरर देता है।
RF रेफरेंस, जो आपने रेफरेंस मतलब कि जो आपने फॉर्मूले के अंदर में सेल एड्रेस A1 B1 C1 ऐसे एड्रेसेस दिए हैं, वो एड्रेसेस खाए तो डिलीट कर दिए गए हैं या फिर वो एड्रेस उसके एग्जिस्ट से बाहर है। जैसे कि हम वी लुकअप लगाते हैं ना, एक सिंपल से एग्जांपल बताता हूँ इसका। जैसे कि हमने वी लुकअप लगाया और हमने बोला कि भाई ओमनी को सर्च करना है नेम में, और हम सॉरी नेम हमने दे दिया और यहाँ पे हमने 3 राउंड से चेक किया और हम 4 दे दिए तो RF आएगा, क्योंकि हमने सिलेक्शन 3 लिया और रेफरेंस हमने 4 दे दिया। तो इस केसेस में इस तरह के RF का एरर आता है। नेम का एरर तब आता है, 2 केसेस में आता है। पहला, जो फॉर्मूला नाम आपने दिया है या जो रेफरेंस का नाम आपने दिया है वो रेफरेंस है ही नहीं। मतलब कि जैसे मैंने फॉर्मूला में स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया या फॉर्मूला गलत लगा दिया, जैसे कि बहुत सारे लोग इफ एल्स नाम का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं जो कि होता नहीं, इफ एल्स एक मेथड होता है, उस केस में नेम आएगा, नेम एरर आएगा। दूसरा, जब आपके पास जैसे लोअर वर्जन में अपर वर्जन में लगाया गया फॉर्मूला लोअर वर्जन में नहीं है तब उस केस में दिक्कत आता है। जैसे कि डेटेड आपका ये networkdesk.intl मैंने इंटरनेशनल वाले फॉर्मूले 2007 में आपको नहीं है, अगर मैं 2016 की या 2019 की फाइल को 2007 में खोलूंगा तो वो networkdesk.international के जगह पे वो नेम का एरर देगा, क्योंकि वो फॉर्मूला उस वर्जन में एग्जिस्ट नहीं करता है। नम का एरर आता है, जैसे कि मान लीजिए कोई फॉर्मूला ऐसा है जैसे dget का फॉर्मूला है कि वो एक ही बार की रिपीटेशन चाहिए लेकिन उसने 2 बार आपने रिपीट कर दिया हुआ है, तो 2 बार उसको वैल्यू मिल रही है लेकिन वो एक ही बार वैल्यू पिक कर सकता है, उसमें आपको एनयू नेम का नंबर आता है। और हैश एन ने पता ही आपको कि किसी भी लुकअप फॉर्मूले का डेटा नहीं अवेलेबल होता है, यहाँ पे दिखता है हैश एन ने। ज्यादातर वी लुकअप, एच लुकअप, मैच इंडेक्स में आपने देखा होगा। गेटिंग डेटा का एरर आता है, जैसे आपने कोई कनेक्टिविटी कर रखी है और कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम है तो गेटिंग डेटा का एरर आएगा आपको। इसके अलावा कुछ भी ऐसा एरर जो एक्सेस आइडेंटिफाई नहीं कर रहा है उसके जगह पे आप हैश एन आए। तो हाउ कैन आइडेंटिफाई, मतलब कि मुझे किसी पर्टिकुलर एरर को आइडेंटिफाई करना है, तो हम आपके पास फॉर्मूला है एरर टाइप का। देखिए एरर टाइप, एरर टाइप क्या करता है, एक सिक्वेंस नंबर बताता है। जैसे हमने सेलेक्ट कर लिया तो NA इट मीन 7, ये नंबर 7 ही दिखा रहा है। उसके बाद आप अगर मान लो किसी पर्टिकुलर एरर पे आप कुछ शो करना चाहते हैं, मैं चाहता हूँ कि जब NA का एरर है तभी देखिए डेटा नॉट फाउंड ऐसा मैसेज आए, तो यू कैन यूज द इफ फॉर्मूला। इफ हमने इसको सेलेक्ट किया और हमने बोला कि इक्वल टू 7 है तो यहाँ पे डेटा नॉट अवेलेबल, अदरवाइज जो एरर है वो एरर शो। समझ गए? तो एरर टाइप का यूज हम इस केस में करते हैं। अब एरर टाइप के बाद इंफॉर्मेशन फॉर्मूला के अगली फॉर्मूला में बात करते हैं इन्फो फंक्शन। इन्फो फंक्शन भी एक इंफॉर्मेशन के लिए होता है, जैसे डॉट इन्फो। इन्फो में जैसे कि आपको आपका करेंट फोल्डर पाथ चाहिए तो ले सकते हैं, मतलब ये पता करना चाहिए कि अगर मैं डिफॉल्ट फाइल सेव कर देता हूँ बिना पाथ दिए हुए तो मेरा फाइल इस पाथ में सेव होगा। ज्यादातर इसको हाइपरलिंक वगैरह लगाने में इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपको एक हाइपरलिंक फॉर्मूला होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे मेरे इस लोकेशन कैसा है, ठीक है, तो यहाँ पे मतलब कि इस लोकेशन को मिलाकर मान लीजिए बुक वन इस लोकेशन पे पड़ा हुआ है, बुक वन, तो हम लोग इसको कॉन्ग्रेनेट करेंगे, इसको सिलेक्ट करके .xlsm पाथ बन जाएगा, देन हम इसको हाइपरलिंक फॉर्मूला में इसको डाल देंगे तो ये लिंक बन जाएगा। तो जैसे यहाँ पे फाइल नेम चेंज करेंगे अपने आप यहाँ पे चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे VBA इसका इस्तेमाल ज्यादा करते हैं। इसका एक चीज और भी है,
जैसे कि आपको जैसे कि एरर जैसे दिखा रहा था, नेम का एरर कुछ एरर है, तो इसमें आपके पास एक और आता है रिलीज का ऑप्शन होता है। रिलीज बताता है कि आपका एक्सेल कौन सा है, 16 है तो 16 पॉइंट आएगा, 19 है तो उसका पॉइंट आएगा, तो एक्सेल का वर्जन दिखाता है। तो उससे आप पता लगा कर सकते हो कि हाँ ये फॉर्मूला उसमें चले गए, चले ऐसे मैसेज को पुट कर सकते हो। तो इन्फो के अंदर में एक और आता है आपका सिस्टम, आपका सिस्टम मैक है या आपका डॉस बेस है या लिनक्स है, ये आपको बताता है। तो इन्फॉर्मेशन इन सीओ की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के यूज होता है, इसको आगे चल के इफ और अगले फॉर्मूले में इसका इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद अब कुछ इज के फॉर्मूले हैं, जैसे कुछ चेकआउट करना है, जैसे हमने बोला कि इज ब्लैंक, अगर सेल ब्लैंक है तो ट्रू देगा अदरवाइज फॉल्स देगा। ऐसे आपको इज एरर, किसी भी तरह का एरर हुआ तो एरर शो करेगा अदरवाइज। दूसरा आपके पास आता है इज एरर, आपको याद होगा मैंने आप हमने देखा होगा हमारी क्लासेस में मैंने इफ एरर का इस्तेमाल किया हुआ कई सारी जगहों पे, जैसे कि हमने बोला कि दो यहाँ पे है क्वांटिटी है और एमआरपी है एंड क्वांटिटी है, गलत दिया अमाउंट है, हेलो जी मैम मैं अभी क्लास ले रहा हूँ, मैं क्लास का कॉल करता हूँ उसी नंबर पर। तो यहाँ पे 500 है और यहाँ पे 2-300 है और ऐसे ही यहाँ पर, तो मुझे इसे प्राइसेस प्राइस निकालना है। अब प्रॉब्लम यह है कि इन दोनों में से किसी एक में हो सकता है, यहाँ पे होगा या यहाँ पर होगा। तो अगर आपने इसको इससे डिवाइड किया तो ये तो एरर आएगा ना, क्योंकि किसी भी चीज को हम जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते। तो पहले मुझे चेक करना है कि यहाँ पे अगर रिजल्ट दिया हुआ है तो इसके अकॉर्डिंग मुझे दे दे, और नहीं तो फिर इसको चेक करें, ठीक है। तो प्रॉब्लम है कि एक सेल में दो जगह कैसे करेंगे, तो इसके लिए हम लोग इफ एरर का फॉर्मूला लगाते थे कि इफ एरर, अगर आपका ए पहला फॉर्मूला अगर एरर देता है तो हम दूसरे फॉर्मूले से चलते हैं, दूसरे फॉर्मूले से डिवाइड बाई ए रिजल्ट आ जाता है। अगर मैंने यहाँ पे कोई डाल दिया कि 5,065 क्वांटिटी, तो उसका क्वांटिटी आ जाता है। लेकिन प्रॉब्लम है कि इफ एरर का फॉर्मूला आपका 2007 ऑनवर्ड है, तो 2003 जो लोअर वर्जन है उसमें नहीं था, तो उस केस में हम लोग इज एरर का इस्तेमाल करते थे। इज एरर क्या होता है देखिए बताता हूं आपको, कि अगर कोई किसी भी सेल में एरर है, किसी भी सेल के अंदर अगर एरर है, तो उस एरर को ट्रू एंड फॉल्स में कन्वर्ट करता है आपका इज एरर। अगर एरर हुआ तो ट्रू अदरवाइज फॉल्स। तो आप बोलेंगे सर इससे पहले तो मैंने इज एरर भी लगाया था, लेकिन इज एरर क्या करता है कि आपका जो एनए का हैश एनए का एरर है उसको इग्नोर करता है, एनए नहीं रखता है वो, एनए के अलावा हैश एनए के अलावा किसी सारे एरर को पिक करता है, सिर्फ एनए एरर को पिक नहीं करता है, फॉल्स आ गया। लेकिन इज एरर किसी भी तरह का एरर करता है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे इफ का कंडीशन देते थे कि इफ अगर ए ट्रू हुआ तो हम इस अगली कंडीशन को दूसरी कंडीशन को अप्लाई करेंगे, अदरवाइज जो हमारी पहली कंडीशन है वो पहली कंडीशन को अप्लाई करेंगे। तो इफ एरर का यूज हम लोग इज एरर से करते थे, तो यही इज के फॉर्मूला है। ऐसे में आपको इज में चलिए और फॉर्मूले उसके बारे में एक बार दिखा देता हूं कि इज हो गया, इज इवन अगर इवन नंबर हुआ तो ट्रू देगा, इज फॉर्मूला अगर सेल के अंदर फॉर्मूला लगा हुआ है तो ट्रू देगा अदरवाइज फॉल्स देगा, इज लॉजिकल मतलब अगर सेल में अगर ट्रू और फॉल्स में किसी लॉजिकल वैल्यू लिखा हुआ है तो ट्रू आएगा अदरवाइज फॉल्स आएगा, इज एनए सिर्फ एनए का एरर है और एरर को आइडेंटिफाई नहीं करेगा, सिर्फ एनए का एरर है तो ट्रू देगा अदरवाइज फॉल्स देगा, इज नॉन टेक्स्ट मतलब कि टेक्स्ट के अलावा कोई भी नंबर है या ट्रू फॉल्स है, ट्रू फॉल्स भी नंबर आता है या जीरो है तो देगा,
इज नंबर सिर्फ नंबर होना चाहिए विदाउट टू एंड फॉल्स. इज ऑड होगा, ये अलग है, इसे अलग है. इज टेक्स्ट, अगर टेक्स्ट है तो टेक्स्ट नंबर देगा. अब इस टेक्स्ट वगैरह क्या होता है, इसका यूज क्या होता है, तो चलिए इसका यूज हम आप लोग डेटा वैलिडेशन में इस्तेमाल करके बताते हैं. जैसे कि मेरे पास यहाँ पे अकाउंट नंबर है और मैं चाहता हूं कि मेरे इस कॉलम में कोई भी पर्सन टैक्स एंट्री ना कर पाए. पहली चीज, अगर किसी ने टैक्स एंट्री पहले से कर रखी है वो हाईलाइट हो जाए, तो उसके लिए हम लोग कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाते हैं, न्यू रूल्स, यूज फॉर्मूला, और यहां पे हम दे देते हैं इज टैक्स और ब्रैकेट हम सिलेक्ट कर देते हैं नंबर M1. सॉरी, मुझे एक सेल सिलेक्ट करना पड़ेगा, हमने गलत कर दिया. जब भी फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में तो हम एक सेल सिलेक्ट करते हैं. तो इज टेक्स्ट ब्रैकेट M1 और हम यहाँ पे अपनी फॉर्मेटिंग, जो भी फॉर्मेटिंग सिलेक्ट करना है सिलेक्ट कर देते हैं. अगर इसमें टेक्स्ट वाला रिजल्ट ट्रू आएगा और कंडीशनल फॉर्मेटिंग आपका ट्रू एंड फॉल्स पे ही चलता है, वो हाईलाइट कर देगा. अच्छा, इसमें कुछ टेक्स्ट पहले से डाला हुआ था, ये क्या हो गया? अच्छा, मुझे इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा. नहीं, अप्लाई, हाँ ठीक है. ठीक है, तो जैसे मैं इसमें कोई टेक्स्ट लिखूंगा तो हाईलाइट हो जाएगा. लेकिन मुझे ऐसा करना है कि मैं टेक्स्ट एंट्री ही, मुझे हाईलाइट नहीं करना है, मैं टेक्स्ट एंट्री ही नहीं कर पाऊं. तो एंट्री को रोकने के लिए हम डेटा वैलिडेशन में यूज करते हैं कि डेटा वैलिडेशन, और यहाँ पे हमारे पास कस्टम, और यहाँ पे अब यहाँ पे मैं इज टेक्स्ट नहीं करूंगा क्योंकि ये भी ट्रू फॉल्स पे चलता है. तो यहाँ अगर मैंने इज टेक्स्ट कर दिया तो क्या होगा, एंट्री एक्सेप्ट कर लेगा. तो अगर मैं इज टेक्स्ट अगर देता हूँ यहाँ पे, हालांकि मुझे इज नॉन टेक्स्ट या इज नंबर का देना पड़ेगा, लेकिन आप इज टेक्स्ट भी दे सकते हैं. तो फिर आपको यहाँ पे इक्वल टू फॉल्स करना पड़ेगा. And okay. So is text होगा ना. And okay. अब इसको copy करके हम नीचे की तरफ right click, paste special, और इसमें हम कर देते हैं validation. अब तक वो टेक्स्ट लिखेंगे तो वो एंट्री एक्सेप्ट ही नहीं. ठीक है, एंट्री ही नहीं करेगा, इसलिए मैंने बुलाया बताया था. तो ऐसे इज के फॉर्मूले, तो इंफॉर्मेशनल फॉर्मूला समझ में आ गया आप लोगों को? जी सर. यस, किसी को किसी का डाउट तो नहीं है ना? नहीं सर, नो. ओके, चलिए.